नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इजी माई ट्रिप शेयर के बारे में। तो गाइज, यहाँ पर एक न्यूज़ आ रखी है बिजनेस स्टैंडर्ड पे, टुडे 10:01 पे आई थी। तो ये वाली न्यूज़ आप पढ़ लेना, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जो इजी माई ट्रिप है, जो आइफा में इसका ये पार्टनर हुए हैं, easymytrip.com पार्टनर्स विद आइफा। तो आइफा जो अवार्ड जहाँ पर मिलते हैं सेलिब्रिटीज़ को, तो वहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज़ होंगे, उनके कस्टमर्स वगैरह जितने भी वहाँ पे आएंगे, उनके लिए स्पेशल होलीडे पैकेज ऑफ़र करेगा easymytrip.com। तो ये कुछ जानकारी यहाँ पर थी। तो चलो आज इसके चार्ट वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आज कुछ आपको समझाने वाला हूँ। तो भाई, यहाँ पर अगर हम देखें 5 साल का चार्ट, तो 12 रुपये पर ये आया था मार्केट में 2021 को NSE में, और BSE में भी ये 2021 को आया था 12 रुपये पर, और आज ये ट्रेड कर रहा है तुम्हारा 41.76 रुपये पर। तो कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैंने सोचा था कि ये एक ऐसा शेयर है जो शायद हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा दे सकता है, तो बहुत पहले मैंने इसके बारे में ये सोचा था कि मैं इसको खरीदूँगा, इसके शेयर खरीदूँगा। लेकिन उस टाइम थोड़ा किसी कारणवश मैं नहीं खरीद पाया। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इसके शेयर फाइनली मैं परचेज आज यहाँ से खरीद लेता हूँ। तो चलो, मैं वो तो खरीद लूँगा, लेकिन उससे पहले हम मार्केट कैप देख लेते हैं। 7,280 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर हम ROE देखें तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब जो होनी चाहिए वैसे 20% तक होनी चाहिए, डिसेंट मानी जाती है, लेकिन इसकी 25% ROE है, तो काफ़ी ज़्यादा है। डिविडेंड भी इसने दे रखा है, 0.24% का डिविडेंड दे रखा है कंपनी ने। अगर हम इसकी बात करें डेप्थ की, तो डेप्थ कंपनी ऊपर इतना नहीं है, और फेस वैल्यू 1 है, बुक वैल्यू 3.41 की है। अगर हम पी रेशियो देखें तो 66.26 का इसका पी रेशियो है, और पी वी रेशियो देखें तो 12.04 का पी वी रेशियो है। इंडस्ट्री पी ए देखें तो 180.47 का इंडस्ट्री पी है। चलो अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, प्रोमोटर्स के बात करीब 64% की यहाँ पर, 64.30% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर किसी शेयर पर प्रोमोटर्स ने इतना ज़्यादा अपना शेयर होल्ड कर रखा हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि रिटेलर्स का भी वहाँ पर अगर पैसा निवेश है तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, और निवेशक जो रिटेल निवेशक हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा शेयर पर पैसा बनेगा। तो रिटेल में भी करीबन 31% यहाँ पर रिटेल में यहाँ पर शेयर होल्ड हैं। फॉरेन की बात करें, विदेशी संस्थागत की, तो करीबन 2.56% यहाँ पर विदेशी संस्थागत है। अगर हम घरेलू संस्थागत देखें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखें, तो 2.51 यहाँ पर डोमेस्टिक है, और म्यूचुअल फंड में भी 0.08% करीबन म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पर निवेश हो रखा है। अगर हम मेन बात देखें, तो ये मेन बात मुझे आपको यही बतानी थी कि जो easymytrip.com पार्टनर्स विद आइफा, तो आइफा के साथ इसने अभी पार्टनर बन चुका है भाई। तो यहाँ पर ये अभी सेलिब्रिटीज़ को अच्छी अच्छी ऑफर देने वाला है हॉलीडेज़ के। तो वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना चैनल को, और लाइक ज़रूर करना भाई। लाइक नहीं करते कोई भाई तो फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आता है। मोटिवेशन तभी आता है जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो वीडियो को, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, अपने कैपिटल में जोड़ना है, तो भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म स्टॉक नहीं है भाई, ये नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें तो 224% का 5 साल का रिटर्न है। वन डे, अगर 1 वीक का देखें तो माइनस में है। अगर हम 1 महीना का देखें तो 4.5% करीबन है, 1 साल में 7% है। तो आपको इसको लंबे टाइम तक होल्ड में रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है अपने शेयर पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।